हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। लास्ट टाइम हमने भारत की विभिन्न परियोजनाएं जैसे दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, रियंद बांध परियोजना और दूसरी विभिन्न परियोजनाओं का अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे व्यास परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना व अन्य परियोजनाओं का। तो सबसे पहले है व्यास परियोजना। व्यास परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की सम्मिलित परियोजना है। इसके अंतर्गत व्यास नदी पर धौलाधर पहाड़ियों पर पोंग बांध बनाया गया है ताकि इंदिरा गांधी नहर में जाड़े में भी नियमित जलपूर्ति बनी रहे। इस परियोजना द्वारा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। इस परियोजना के अंतर्गत पंडोह के निकट एक 61 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है जिससे निर्मित जलाशय से 3 नहरें निकाली गई हैं जो व्यास को सतलज से जोड़ती हैं। इनसे 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। इसी प्रकार पोंग बांध के पास स्थित शक्तिगृह की क्षमता 240 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने की है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। इसका उद्देश्य राजस्थान के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों का विकास करना है। इसके लिए व्यास नदी पर बने पोंग बैराज से जल लिया गया है। इसके अंतर्गत सतलज व्यास संगम के निकट हरीके बैराज से राजस्थान फीडर नहर, राजस्थान मुख्य नहर का निर्माण और शाखा प्रणालियों का विकास किया गया है। इसके द्वारा राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर की लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। इस परियोजना के द्वारा सिंचाई व्यापारिक फसलों व खाद्यान्न फसलों की, कृषि, डेयरी विकास, मत्स्य पालन, भेड़ पालन व औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिला है और मरुस्थलीकरण और सूखे पर रोक लगाई गई है। नेक्स्ट है नर्मदा घाटी परियोजना। यह गुजरात और मध्य प्रदेश की प्रमुख परियोजना है। नर्मदा भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। इस परियोजना के अंतर्गत नर्मदा नदी पर 29 बड़े 450 मध्यम और 3000 छोटे बांध
और बैराज बनाया जाना शामिल है। इनमें सरदार सरोवर बांध, जो कि गुजरात में है, और नर्मदा सागर बांध, जो कि मध्य प्रदेश में है, प्रमुख हैं। इस परियोजना का लाभ गुजरात और मध्य प्रदेश को प्रमुख रूप से हो रहा है। नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना। इसके अंतर्गत नर्मदा नदी पर नवगांव के पास एक बांध का निर्माण शामिल है। इस परियोजना का लाभ गुजरात, राजस्थान व महाराष्ट्र की जो कृषि है और औद्योगिक विकास है, उसको प्रोत्साहन करने के लिए प्रमुख रूप से हुआ है। इसके द्वारा गुजरात की 17.92 लाख हेक्टेयर, राजस्थान की 75,000 हेक्टेयर और महाराष्ट्र की 37,500 भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। नेक्स्ट है टिहरी बांध परियोजना। यह उत्तराखंड की प्रमुख परियोजना है। इसका उद्देश्य भागीरथी और भिलंगाना नदी के बाढ़ के जल का संग्रह कर सिंचाई, विद्युत उत्पादन, पर्यटन और बाढ़ नियंत्रण को प्रोत्साहन देना है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इस परियोजना का लाभ मुख्य रूप से उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली को होगा। इन परियोजनाओं के अतिरिक्त भारत की अनेकों सिंचाई परियोजना हैं, जिनका लाभ उन क्षेत्रों को भरपूर हो रहा है, जैसे मचकुंड परियोजना आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की है, माही परियोजना गुजरात की है, शारावती परियोजना कर्नाटक की है, कुंडा परियोजना तमिलनाडु की है, सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर की है, बाढ़ सागर परियोजना मध्य प्रदेश की है, स्वर्ण रेखा परियोजना उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की है। इस प्रकार से भारत की नदियों में अपार जलराशि है। वर्षा ऋतु में कई बार बाढ़ के कारण काफी तबाही होती है, जिसे रोकने के लिए इन सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। वास्तव में इन परियोजनाओं के द्वारा
देश की लाखों हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है, विभिन्न उद्योगों का विकास होता है, मत्स्य पालन, पर्यटन विकास व अन्य विभिन्न उद्योगों को बढ़ावा मिला है। ये परियोजनाएं वास्तव में भारत के नवनिर्माण मंदिर हैं। तो बच्चों, आज हमने और लास्ट टाइम भी हमने भारत की विभिन्न परियोजनाओं का और उनके लाभों का अध्ययन किया। नेक्स्ट टाइम किसी नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।